हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ हेल्थ टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलायची जो हमेशा सबके किचन में पाई जाती है, तो इलायची का सेवन करने से आप जो है आपकी भूख बढ़ती है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है। और इलायची का सेवन करने से आपके जो सीने में जलन होती है वो दूर होती है, गैस की समस्या को दूर करती है। तो इलायची जो है हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो इलायची ज़रूर खाना चाहिए। मखाना जो है काफ़ी पौष्टिक होते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। मखाने को अगर आप देसी घी में भून कर खाते हैं तो इससे जो है माइंड लूज मोशन ठीक होते हैं और बॉडी पेन में भी आराम मिलता है और शरीर की कमजोरी को जो है दूर करता है। तो इसलिए मखाना खाना चाहिए। मखाना जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, एनर्जी काफ़ी देता है ये। नारियल, नारियल में जो है कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं होता है, इसलिए अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं और या अपने मोटापे से परेशान हैं तो आपको जो है नारियल ज़रूर खाना चाहिए। नारियल जो है मोटापे को कम करता है क्योंकि इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और वज़न घटाता है नारियल। तो मोटे लोगों को नारियल ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में सूजन रहती है तो इसके लिए आपको जो है थोड़ी सी हल्दी को जो है कपड़े में छान लेना चाहिए और उसमें थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल मिलाकर दांतों या मसूड़ों की दिन में 2 बार मालिश करनी चाहिए और गुनगुने पानी से जो है कुल्ला करना चाहिए। इससे जो आपके मसूड़ में सूजन है वो दूर होती है। और हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल है तो हल्दी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। बुखार दूर करता है पुदीना, तो आप इसके लिए थोड़े से पुदीने को 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और छान कर इस पानी को जो है इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें और इसे चाय की तरह पिए। जैसे आप चाय पीते हैं इसे ऐसे ही पीना है और इसे जो चाय पीने से जो है आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है और साथ ही साथ जो आप में कमज़ोरी आती है बुखार के बाद वो भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।